गुड आफ्टरनून गाइस, 3:30 बज रहे हैं और मैं व्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। वेलकम टू योगी की दुनिया। होप आप सब अच्छे होंगे और आज तो हमारे यहाँ धूप भी निकली है, लेकिन फिर भी मैं नहीं नहाई। होप आप सब ने धूप जहाँ जहाँ निकली है वहाँ वहाँ वो लोग नहाए होंगे, मेरी तरह नहीं नहाए होंगे। बट मैं अभी अभी नहीं नहाई, रात को नहाऊंगी। तो ये बात चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन नहाया कौन नहीं नहाया, बट अभी ऐसा सीन है, अभी हम मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट और मैंने अपने ऑफिस का 2 घंटे का लॉक ऑफ कर दिया है 2 घंटे के लिए। तो अब मैं और मम्मी मार्केट जा रहे हैं, मम्मी लगा रही है ताला। बोलो गाइस, हेलो बोलो। हेलो, नहा ली है? और गाइस आज मम्मी ने ये मिर्च का अचार डाला है, बहुत टेस्टी टेस्टी क्या कहते हैं। और अब मैं आपको मार्केट में ही मिलती हूँ। गाइस बहुत ठंड है आज, और मैंने अभी अभी बोला है कि बिल्कुल ठंड नहीं है, लेकिन अभी ठंड हो गई, बहुत मसीली अभी नहा के सो गया है। करके आई हो? नहा के कलर लगाया था। किस पे लगाया था कलर आपको, पूरा बताइए। और कुछ कुछ सामान भी लेना, वो भी लेना, लेकिन हेयर कट लेंगे पहले और बाकी काम करेंगे बाद में। तो देखते हैं कैसा जाता है। गाइस हम आ गए हैं पार्लर और ये हम गए अंदर। बुटास 40 और एक साफी। कितने की गाइस हमने ले लिया आपकी 20%। गाइस दवाई लेके अब हम खा रहे हैं गोलगप्पे। पूरा देखो हो गई है। गाइस गोलगप्पे खा के और हम जा रहे हैं अपने घर। हमने सोचा अब पैदल जाएंगे, तो पैदल पैदल जा रहे हैं, मेरा सामान और अब हम आपको घर मिलते हैं। गाइस देखो मेरे बाल कितने छोटे हो गए, देखो गाइस इतने बाल हो गए। हेयर कट हो चुका है, अभी मैं सेम ही लग रही हूँ बट बाल खोल के मैं डिफरेंट लगती हूँ। शक्ल से वॉश भी वही हो गया, सब कुछ वही हो गया। अब मैं फ्री हूँ, कल नहाएंगे सीधा। ये
है ना। और फिर उसके बाद अब मैंने मम्मी को आके चाय बना के दी है, और मम्मी कुछ कपड़े शपड़े धो रही है दी है। उसके बाद मेरे को अब ऑफिस का काम संभालना है और काम करना है, बस अभी के लिए यही है। गाइस ये रही मेरी नई ट्रॉली, और ये मैंने सामान पाइल अप किया हुआ है, और एक और ये गया, ये चला गया। अब मुझे सारा समेटना है, इकट्ठा करना है और पैकिंग स्टार्ट करनी है। अब मैं वही करती हूँ, बहुत बाबा बहुत काम है रे बाबा, बहुत ज़्यादा ही काम है। फिर मुझे थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन भी करना है, ग्लोई ग्लोई स्किन आएगी। और गाइस बाल देख के बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसे मैंने इतने बाल सदियों में देखे होंगे अपने। मैंने कभी हेयर कट इतना नीचे से ट्रिमिंग कराती थी, इतना कराया ही नहीं। और देखो हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 10:15। तो मैंने सोचा इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली मेरी फ्रेंड्स की भी टिकट हो गई है कंफर्म। हमको 7:45 के तकरीबन पता चल गया था, तो अब फिर हमने पैकिंग स्टार्ट करी। उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन उतरा, क्या 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 क्या, तू क्या लेके जा रही है, मैं क्या लेके जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो ये रहा मेरा ट्रॉली, वो है मेरे कल जाने के कपड़े, ये है मेरा बैकपैक, और ये मैं। अब मैंने लगा लिया नेल पेंट, है ना। तो अब मैं चलती हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट, पीछे वाले कमरे से आ जाओ आगे वाले कमरे में। ये मम्मी बैठी है चीकू के साथ, बिग बॉस देख रही है, और चीकू डरा रही है सबको। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे उबल रहा है चीकू के लिए अंडा, क्योंकि वो रोटी नहीं खाती है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय। गाइस आज हमारे बाहर एक ब्राउनी नामक एक फीमेल डॉग है, उसने उसने बच्चे दिए हैं, लेकिन उसने बच्चे दे दिए किसी की नाली, घर की नाली होती है ना, सूखी नाली, उसमें दिए हैं। बट और ऐसा भी है कि वो बीचों बीच दिए हैं, मतलब हम निकालना मुश्किल है। अगर थोड़ा एंड पे देती ना इस साइड, तो हम इजीली निकाल के उसको, हमने एक बाहर हट बनाई हुई है डॉग्स के लिए, तो वहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र कर देते। बट आज ही दिन में उसने दिए, तो अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कल देखते हैं कुछ हो सकता है। तो पापा ने बोला है मॉर्निंग में देखेंगे, है ना, तो अब कल देखेंगे। बाकी एक बार हमने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे ना उनको अंडा और दूध गर्म करके अंडा फोड़ के दे देना चाहिए, उसके थोड़ा अंदर गर्म गर्म चीज़ें पहुंचती हैं, तो उनके लिए सही रहता है। तो मैंने दिन में भी दे दिया था, अब मैं रात को अपनी पैकिंग के चक्कर में भूल गई, तो मम्मी ने ताला वाला लगा दिया। अब मैंने खोल के उसको दे के पिला के अच्छे से, अब मैं आई हूँ, और अब मैं मम्मी और पापा मन्नू के लिए चाय बना रही हूँ। तो गाइज अब मैं कल मिलती हूँ, अभी ये व्लॉग कल आएगा, थोड़ा सा कल का भी दिखा के, क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे नेटवर्क वेटवर्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा सा इश्यू होता है। तो मैं वहाँ पे व्लॉग बनाऊँगी, बट पोस्ट पब्लिश आने के बाद ही करूँगी, जैसे मैंने बनारस के टाइम पे किया था। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, विद स्वोलन आईज आई एम योगी अरोरा वेलकमिंग यू टू योगी की दुनिया। प्लीज कोई नया है यहाँ पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ये वीडियो लास्ट तक देखें। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अभी रजाई में ही हैं, और यहाँ पे बहुत ठंड है, उसके कारण हम रजाई के बाहर अपने एक कदम ही नहीं रख पा रहे हैं, और हम तो नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप यहाँ एक लड़की को देखिए, ये मस्त सो रही है, ये भी नहीं,
रख पा रही है, तो हम अभी हिम्मत जुटा के पैर कदमों हम अभी रखा के कदम नीचे उतरेंगे। हे गाइस, और अभी बज रहे हैं 11:00, और मैंने देखो मेरा ये येलो येलो टीका दिख रहा है, तो ये मैंने आज थर्सडे का पूजा करी है बृहस्पति भगवान जी की, बट व्रत नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं व्रत रखते ना तो उसमें नमक नहीं खाते ना, तो थोड़ी वीकनेस आ जाती है। और कल मुझे पूरे दिन, अब मेरी शाम को 6 बजे से ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यार फिर थोड़ी एनर्जी डाउन सी नहीं रहने की, इसलिए मैंने सिर्फ पूजा पूजा कर ली। और भगवान को तो सब पता ही होता है कि क्यों कर रही हूँ, तो वो भगवान जी और मेरा चलेगा, है ना। और देखो गाइस, मेरे बाल इतने ही रह गए, इतने तो बस गाइस, नाश्ता मैंने कर लिया है, पैकिंग मेरी हो गई थी, दोस्त मेरी एक भरतपुर से चलना था, वो उसकी 1 घंटा ट्रेन लेट आई है, बट आई थिंक हम मैनेज कर लेंगे। और बाकी अब आज मेरे मामा मासी को भी आना है, बट पॉइंट इज अब देखना ये है कि वो मैं उनसे मिल पाती हूँ या नहीं, क्योंकि वो लोग भी अराउंड 6:30 के अराउंड आने वाले हैं, वो रोहतक से आ रहे हैं, तो रोहतक में फिर मतलब 2.5-3 घंटा लगता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक व्रैफिक क्या सीन है। मेरे मामा मामी मासी आने वाले हैं, उनके बच्चे आने वाले हैं, तो अब बस देखना है कि हम मिल पाते हैं या नहीं, वो तो शाम को ही पता चलेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा अगर ट्रेन व्रेन अगर थोड़ी बहुत लेट हुई या ऐसा कुछ देखेंगे उस टाइम ही। तो अभी अभी मैं करती हूँ, अभी मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखा के आई हूँ, है ना, कपड़े सुखा के आई हूँ, और अब मेरे को ऑफिस का भी थोड़ा बहुत देखना, और आज तो मैंने मेल ही डाल दी कि मैं 3 बजे लॉग ऑफ कर दूंगी, है ना, फिर अपना ट्यूजडे को आगे देखेंगे क्या काम कैसे काम, पूरी जिंदगी काम ही करना है ना, तो छोड़ो वो भी सॉर्टेड है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ और काम धंधे देखने, मेरी मम्मी कैसे अपने भाई बहन और भाभियों के स्वागतों के लिए सफाई और मम्मी को वो बुरा लग रहा है, बता दो आप बता दो गाइस, सबको सब पता है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लगा लेना, मैं तो सच्चाई बोलती हूँ गाइस, मेरी मम्मी चिढ़ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ वरना डांट पड़ेगी, बाय गाइस। गाइस मेरा मन कर गया मकैन खाने का स्माइलीज, क्योंकि जब बताया था मेरे मामा आ रहे हैं, है ना, तो जब मामा आ रहे हैं तो हमारे घर में स्माइलीज भी आ गई हैं, है ना, मम्मी ने ब्लॉग में देख लेगी, तो गाइस अब ना तो मम्मी ने स्माइलीज मंगवाई है, तो ना फिर मैंने सोचा, मम्मी ने तो सीधा बोल दिया जब मामा आएंगे तभी तलेगी, मैंने कहा भाई सही है ये भी सही है, लेकिन हम तो हम हैं, मम्मी ने बनाई है आलू गोभी मटर की सब्जी, जो मम्मी मुझे ट्रेन में पैक करके देने वाली है खाना, तो मैंने कहा ना 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 मैं अभी भी यही सब्जी खाऊँ, रात को भी यही सब्जी खाऊँ, ऐसे कैसे हम खाएंगे मकैन, तो मम्मी ने कहा खुद कर ले, मैंने कहा कर लेते हम कौन सा कुछ, हमें क्या आता नहीं करना, कर लेंगे, ओके बना रखी चाय, मैं करूँगी गर्म और मस्त मकैन, हरी चटनी लाल चटनी मतलब तीखी वाली खट्टी मीठी वाली भी, टमाटो सॉस भी, मज़ेदार बना के मैं खाऊंगी मैं। गाइज आप ये मत समझना, मैं जैसे बातें कर रही हूँ कि हमने पहले कभी मकैन ही नहीं खाया, खाएं हम ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते नहीं हैं, इसलिए ये सब हमारे यहाँ कभी कभी आता है, वरना ये मत सोचना वो तो मेरी, मैं थोड़ी चटोरी टाइप्स वाली बंदी है, तो मेरे मुंह में कुछ भी कैसे भी पानी आ ही जाता है। दूर तुझे से मैं रह गए, बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना रह जा अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है शमा नशे में हूं मैं कहां, मेरा दिल ये पुकार आजा मेरे दम की बवाल ला जा, मेरा दीदा है शमा अब जाऊं मैं कहां, मेरा बोला बाबा है बड़ा। गाइस बज गए हैं 3:10, तो मैं ये व्लॉग अब एंड कर रही हूँ, तो जब मैं निकलूँगी तब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी नया, जिससे मैं आगे जाती रहूँ और आपको चीज़ें बताती रहूँ, है ना, तो कभी आप प्लान करें तो आपको हेल्प करें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरा व्लॉग आपको हेल्प करेगा। तो इसी बात पे गाइस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड पीस।